हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब और ये सेकंड डे हमारी चारधाम यात्रा का, जो हमने दिल्ली से स्टार्ट करी थी। सो डे वन में काफ़ी रात हो गई थी, देन वी डिसाइडेड कि बरकोट में रुक जाते हैं। जो बरकोट से यमुनोत्री टेम्पल का डिस्टेंस है वो है अराउंड 33 किलोमीटर्स। और जो ये वीडियो है वो लास्ट ईयर रिकॉर्ड करी गई थी और मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी लेट। अभी चारधाम यात्रा अभी स्टार्ट नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने भी अलाउ नहीं करी है, माइट बी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाए। अभी काफ़ी पार्ट अपलोड करने हैं, जैसे कि अभी यमुनोत्री है, ये अभी यमुनोत्री का कर रहे हैं, उसके बाद गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इसके बीच में गवर्नमेंट अलाउ करती है तो देन लेट यू नो कि कब से और कैसे आप यात्रा कर सकते हो। और रास्ते की बात करी जाए तो आप देख सकते हो कि रास्ता ख़राब है। दिल्ली से बरकोट तक का रास्ता काफ़ी मतलब ठीक था, मसूरी तक तो बिल्कुल सही था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब पैचेस आने लगे जो ख़राब थे। बरकोट से यमुनोत्री की बात करी जाए तो 33 किलोमीटर्स के अंदर आपका 15 किलोमीटर्स बिल्कुल ऑफ रोडिंग है और आपको बीच में लैंडस्लाइड मिल सकता है, जिस पर आपको वेट भी करना सकता है, रुकना भी पड़ सकता है। फ्यूल की बात करी जाए तो दिल्ली से टैंक फुल करवाया था, उसके बाद हमने मसूरी में टैंक फुल करवाया और वहाँ पे भी टैंक फुल का मतलब कुछ 800 रुपीज़ का पेट्रोल फिल करवाया था, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी इफ़ इन केस आपको लगता है कि आपका फ्यूल कम है तो सो आप बरकोट से 10-15 किलोमीटर पहले एक सिटी पड़ती है, वहीं पेट्रोल पम्प मिलेगा, उसके बाद यमुनोत्री तक कोई पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा, सो मेक श्योर कि आपका टैंक फुल ही रहे। और जो स्टे था, हम जहाँ बरकोट में रुके थे, इट वॉज़ ओके, जिसका हमने 1000 रुपीज़ पेड किया था, जिसमें हम 4 लोग स्टे किए थे। और फूड भी नॉर्मल था, मतलब राइस, रोटी, दाल, ये सब था फूड में। ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, रिवर जा रही है, व्यू वाज अमेजिंग। और आगे जो वो पोल दिख रहा है, वहाँ पे हमने रुक के कुछ फोटो वोटोज क्लिक करवाई थी। So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. This is our first landslide. A long way from stacking and rolling that change, and all I ever wanted was some real love. Then I sit on my heart, I watched it build up. My जो आगे बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से जानकी चट्टी है आपका 2 किलोमीटर, और उसके बाद जो 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो है उसके बाद। मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सो उसके बाद 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो करना है। और कोविड की वजह से मैक्सिमम आप देख सकते हो शॉप बंद है। Thank you.
जो यमुनोत्री माता का मंदिर है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में 4 किलोमीटर तक पानी मिलेगा, नॉर्मल टैप वाटर मिल जाएगा आपको, हो सके तो एक बोतल कैरी कर लेना अपने साथ में। और ट्रैक मॉडरेट है, ईजी भी नहीं है, और माता का नाम लेके चलते रहो और ऊपर चढ़ते रहो। हमने ये 5 किलोमीटर का जो रास्ता था वो हमने 3 घंटे में कंप्लीट किया था। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को शेयर और लाइक करें। जैसे ही आप ये स्टेयरकेस इस सीढ़ियाँ क्रॉस करोगे उसके बाद वहाँ पे एक गर्म पानी का स्रोत है, कुंड है, आप वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। पर ऊपर में काफ़ी जगह नेचुरली काफ़ी जगह गर्म पानी के स्रोत है जहाँ से गर्म पानी आ रहा है। और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, जहाँ तक अलाउ वहाँ तक रिकॉर्ड किया है, बाकी आप लोग वीडियो देख सकते हैं।